थी बच्चों कि शांतते तथा अवकलनीता, जो कल कर रहे थे हम सत्ता यानी सतत, कोई फलन x बराबर मान लीजिए a पर सतत है तो फलन की बाईं सीमा दाईं सीमा x बराबर a पर फलन का मान। कल मैंने बताया था मापांक फलन, त्रिकोणमिति फलन, लघु गणकीय फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। अब जो मापांक फलन है उस पर देखेंगे कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो मापांक फलन के लिए 11th में हम पढ़ चुके हैं इसका जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार होता है, एक्स 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 डैश वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु एक्स माप धनात्मक धनात्मक वाई बराबर एक्स और ऋणात्मक वाई बराबर माइनस एक्स। तो वाई बराबर एक्स और ये क्या होगा वाई बराबर माइनस एक्स वाई बराबर एक्स। तो इस प्रकार का जो मापांक होता है एफ एक्स बराबर मोड एक्स, यहां एक्स बराबर जीरो पर स्थिति जांच करेंगे। जीरो पर कैसे करेंगे, कल मैंने बताया था कोई भी फलन मापांक में दिया गया हो तो इसको आगे जीरो लगाओगे तो एक्स बराबर जीरो पर स्थिति बनेगी कि एक्स बराबर जीरो पर स्थिति, प्रत्येक क्वेश्चन को स्थिति बनानी आनी चाहिए मापांक में। कैसे कि एफ एक्स बराबर कंडीशन कि अगर एक्स का मान जीरो से कम लोगे, एक्स का मान क्या लोगे जीरो से कम, वैसे मापांक फलन धनात्मक होते हैं परंतु यहां देखो एक्स का मान जीरो से कम मान लीजिए, जैसे एक्स बराबर माइनस एक ले लिया हमने तो है तो जीरो से कम माइनस की संख्या आएगी नहीं, यहां माइनस दो जीरो से कम अर्थात लेस देन तो माइनस आएगा कोई भी संख्या, तो यहां आप क्या करोगे माइनस का एक्स, और एक्स का मान जीरो से बड़ा या बराबर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो यहां एक्स का मान क्या आएगा धनात्मक, जीरो या जीरो से बड़े लेते हैं तो पॉजिटिव संख्या धनात्मक आएगा तो यहां क्या करोगे आप एक्स करोगे। इस प्रकार ये हमारी पास क्या बन गई कंडीशन। अब एक्स बराबर जीरो पर फलन के सत्ता की जांच करेंगे कि एक्स बराबर जीरो पर फलन के सतता या शांतते की जांच कैसे करेंगे, फलन की बाईं सीमा जीरो माइनस एच, फलन की दाईं सीमा जीरो प्लस एच और एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान, तीनों इक्वल बराबर हो गए तब वो फलन सतत है अन्यथा वो फलन असतत। तो देखिए जीरो पर करेंगे कि फलन की बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट तो एफ जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच, देखिए जीरो से कम है माइनस एच का जीरो से बहुत छोटी है तल राशि कम, ठीक है माइनस नो पॉइंट क्या है नो नो तो जीरो से कम क्या है माइनस एक्स है तो इस ये स्थिति आएगी नहीं हमारे पास तो माइनस एक्स माइनस आगे कर लीजिए आप या यहां कर दीजिए माइनस और एक्स के स्थान पर क्या करोगे जीरो माइनस एच करोगे। अब आप लिमिट लोगे, लिमिट लेने पर एक्स टेंस टू जीरो एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है जीरो करोगे तो जीरो शून्य है वो नए तो ऋणात्मक नए धनात्मक संख्या लेते हैं तो क्या आ जाएगा जीरो आ गया हमारे पास। अब फलन की दाई सीमा, फलन की दाई सीमा एफ जीरो प्लस एच या राइट हैंड लिमिट, फलन की दाई सीमा एफ जीरो प्लस एच राइट हैंड लिमिट तो एफ जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो से ज्यादा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जीरो से ज्यादा है तो क्या है एक्स है एक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे जीरो प्लस एच कर देंगे तो लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर एच टेंस टू जीरो तो एच के स्थान पर जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या आया मान जीरो और एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान जीरो पर फलन का मान एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान एफ जीरो बराबर देखो इक्वल टू यही स्थिति एक्स के स्थान पर जीरो पुट करोगे रखोगे तो हमारे पास जीरो तीनों के मान बराबर आ गए बाईं सीमा दाईं सीमा एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान तो आप लिखोगे अतः एफ
जीरो माइनस एच एफ जीरो प्लस एच एक्स बराबर जीरो, पर मान क्या है, जीरो है तीनों का मान, अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन मापांक फलन मोडुलस फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड एक्स है वो क्या है, सतत है, कंटिन्यूटी है। इस प्रकार कल मैंने बताया था मापांक फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार मापांक फलन को प्रत्येक जो किसी भी मापांक फलन है उसके आगे जीरो लगाओगे, फिर उसकी स्थिति ज्ञात करोगे। अब क्लियर है ना सबके। अब आगे वाला एक क्वेश्चन और देखिए, मापांक से संबंधित ही है। ये तो है एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, केवल मोड एक्स है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का आता है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस एक आ गया, मोड एक्स माइनस एक, तो इसको कैसे करेंगे, जिस किसी संख्या पर मापांक है उसको हम बराबर जीरो लगा के उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे कि एक्स माइनस एक बराबर जीरो, तो एक्स का मान क्या आ गया, एक आ गया, एक पर हम स्थिति ज्ञात करेंगे। x बराबर एक पर मापांक फलन की स्थिति, मापांक फलन की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो एफ एक्स एक्स बराबर एक पर मापांक फलन की स्थिति, सबसे पहले x का मान एक से क्या लेंगे, कम कम लेंगे, तो इस मापांक फलन है उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा माइनस का, एक से कम लेंगे, देखो एक एक तक रखेंगे तो एक माइनस एक जीरो आता है, तो वो पॉजिटिव संख्या आएगी जीरो या जीरो से बड़ी, परंतु एक से कम रख के देखो आप, 0.99 देखो, 0.89 कोई भी संख्या रख के देखिए तो क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी, क्या आएगी, माइनस की। तो एक्स माइनस एक बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आएगा, एक, तो एक से कम रख के देखेंगे तो कोई भी संख्या हो तो क्या आएगी हमारे पास, माइनस की, एक या एक से बड़ी संख्या आप रख के देख लीजिए तो क्या आएगा, जीरो या जीरो से बड़ी संख्या आएगी। तो यहां आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, x माइनस एक। अब देखो दूसरी स्थिति क्या बनाएगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक, यानी x का मान एक या एक से बड़ा। अब इस फलन मापांक फलन के अंदर x का मान एक या एक से बड़ा रखे, दो रखेंगे तो दो माइनस एक, एक पॉजिटिव, तीन रखे रखे कोई भी, एक रखोगे तो जीरो, या तो जीरो या जीरो से बड़ी संख्या आ रही है, तो जीरो या जीरो से बड़ी संख्या कौन सी होती है, पॉजिटिव संख्या होती है, तो यहां प्लस का चिन्ह आ जाएगा, x माइनस एक आ जाएगा, ये स्थिति बन गई। अब हम x बराबर एक पर फलन की सांत्य की जांच करेंगे कि x बराबर एक पर फलन के सत्ता की जांच, वही सूत्र लिखोगे आप, जो विधि क्या बताई थी मैंने, एक ही विधि ध्यान रखोगे, बाईं सीमा दाईं सीमा और x बराबर एक पर फलन का मान, ये चीज महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर जांचने वाला परीक्षक ये चीज देखता है कि बच्चे को आता है या नहीं आता, ठीक है, ये मापांक फलन की स्थिति में मेन चीज है ये समझ, जो बच्चा ये कर देगा तो आगे बढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर बच्चे को यही दिक्कत आ रही है मापांक फलन में की स्थिति बनाने में। तो आप किसी भी मापांक फलन है उसके आगे जीरो लगाइए, जीरो पर लेस देन लीजिए और ग्रेटर देन लीजिए, ग्रेटर देन इजकल टू, फिर आप बाई सीमा दाई सीमा और फलन का मान कर दीजिए। अब एक्स बराबर एक पर फलन की बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एफ एक माइनस एच क्या करोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो ही लोगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर एच टेंस टू जीरो क्यों ले रहे हैं, हम तो एक पर ज्ञात करें, तो एक्स के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, देखो मैं बताता हूं, एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हैं, एक माइनस एच, लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू एक रखे, देखिए एक एक माइनस एच, एक में एक कैंसिल, एच को मान आ गया जीरो, माइनस जीरो था जीरो, तो आप कोई भी लिमिट लेंगे तो एच टेंस टू जीरो ही आएगी, ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएगी। अब एच टेंस टू जीरो, एक्स का मान एक से कम कम
कौन सी कंडीशन है, देखो ये कंडीशन है ना ऊपर वाली, तो यहां माइनस एक्स के स्थान पर क्या करोगे, एक माइनस एच माइनस एक। अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट लेने पर तो माइनस का चिन्ह एक माइनस जीरो माइनस एक, तो क्या आएगा माइनस एक माइनस एक जीरो आ गया। अब x बराबर एक पर फलन की क्या आएगी, दाईं सीमा। x बराबर एक पर फलन की दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट, तो f एक प्लस h, लिमिट h टेंस टू जीरो, एक प्लस h का अर्थ एक से कुछ मान ज्यादा, तो ज्यादा वाली कंडीशन कौन सी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक, x माइनस एक है, x के स्थान पर क्या करोगे एक प्लस एच माइनस एक। लिमिट लीजिए, h के स्थान पर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा एक प्लस जीरो माइनस एक बराबर क्या आ गया जीरो, और x बराबर एक पर फलन का मान, x बराबर एक पर फलन का मान, तो x बराबर एक पर फलन का मान बराबर वाली कंडीशन यही देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक है तो x माइनस एक, x माइनस एक, x के स्थान पर क्या करोगे एक रखिए पुट करिए, तो एक माइनस एक बराबर क्या आ गया जीरो आ गया। अतः x बराबर एक पर फलन की बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, दाईं सीमा और x बराबर एक पर फलन का मान, तीनों का मान जीरो आ रहा है। अगर मान लीजिए एक भी मान, तीनों में से एक भी मान बराबर नहीं है तो वो फलन सतत नहीं होगा, कंटिन्यूटी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी असतत होगा। समझ में आई बात। अतः x बराबर जीरो पर नहीं सॉरी एक पर, x बराबर एक पर फलन है वो क्या आ गया सतत है। इस प्रकार करोगे प्रत्येक क्वेश्चन में यही विधि लगेगी, क्लियर है। सत्ता की जांच करने के लिए बाईं सीमा दाईं सीमा और x बराबर एक पर फलन का मान, अगर प्रत्येक क्वेश्चन ये विधि आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हो। मेन चीज है लिमिट का, आपको लिमिट ज्ञात करनी आनी चाहिए, जो 11वीं क्लास में कर चुके हैं। लिमिट ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूले बताए हैं, सबसे सरल गुणनखंड से करो, अगर गुणनखंड से नहीं होता है तो आप स्टैंडर्ड लिमिट मानक सीमा में परिवर्तित कीजिए, या सबसे सरल तरीका है डीएलएच रूल होते हैं, तो अंश का अवकलन नीचे हर का अवकलन करते चलिए तब लिमिट आ जाएगी, या फिर अगर उसी से नहीं होता है तो प्रसार सूत्र लगा दीजिए, e की पावर x है, साइन x है, कोस x है, लोग x है, टेन x तक के प्रसार सूत्र आपको कुछ याद रखने, और दो शब्द दो पदों तक रख दीजिए, उसके बाद प्रसार सूत्र से हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, ये तो एक समझाने के लिए बताएं आपको, इसके अंदर जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है सिक्स एक्सरसाइज का, कि उदाहरण नंबर एक ये बुक में है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मोड एक्स, एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स, और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो पर है, एक्स इक्वल टू जीरो पर मान है एक। अब x इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों, अगर x का मान जीरो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित फलन हो जाएगा, अस्तित्व में नहीं होगा। अब x बराबर जीरो पर फलन के सांतते की जांच, सांतते या सत्ता की जांच कीजिए, वही आप परीक्षा में सॉल्यूशन यानी x बराबर जीरो पर सतत की परिभाषा अनुसार, सतत की
लिखोगे परिभाषा अनुसार, इसकी लैंग्वेज लिखोगे, मेन चीज आएगा क्वेश्चन दो ही नंबर का कि एक्स बराबर जीरो पर सतत की परिभाषा अनुसार फलन बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा और एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान। एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान तो देखो ये दिया गया आपको, एक्स बराबर जीरो पर क्या है, एक है, इसका अर्थ क्या है, एक है वो क्या है, एक्स इजकल टू जीरो पर एक है। अब इसको बाईं और दाईं सीमा पर देखो, एक्स माइनस मोड एक्स है, तो मोड वाली स्थिति, इसमें मोड है ना एक अलग, तो इसको आप अलग से स्थिति बना लीजिए कि x बराबर किसी पर, केवल प्रत्येक पर नहीं है, सिर्फ इस x पर क्या है मापांक फलन दिया है तो x बराबर जीरो। अब स्थिति बनाएंगे तो देखो कि अगर x का मान जीरो से कम लेंगे तो x माइनस, ये माइनस का x है ना, x का मान जीरो से कम लेंगे तो माइनस का x अपॉन x, और अगर x का मान जीरो से बढ़ा लेंगे, बराबर तो ले नहीं सकते क्योंकि हमें बराबर का मान दे दिया हुआ है, इसमें x बराबर जीरो पर मान क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो x इज ग्रेटर देन इजकल टू, नहीं सॉरी, x इज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो पर मान, सिर्फ ये मान क्या आएगा पॉजिटिव, तो x प्लस x अपॉन x, ये स्थिति आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगी कि x का मान जीरो से कम है तो माइनस माइनस प्लस, दो एक्स में एक्स कितना आएगा, दो आ जाएगा, और एक्स का मान जीरो से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, दो एक्स, सॉरी एक्स माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है, यहां आगे आगे देखो ये माइनस है, ये पॉजिटिव होगा। अब एक्स सू एक्स जीरो, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या मान आता है, जीरो आता है, और x बराबर जीरो पर मान है वो कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक। अब आपको डायरेक्ट ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, देखो जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब बाईं सीमा जीरो से कम, जीरो से कम है वो कितनी है, दो एक्स है, जीरो से कम के सॉरी कितनी है, दो, तो आप इसका मान दो है, जीरो से ज्यादा ग्रेटर देन कितना है, जीरो, और इसका मान क्या है, एक, ये तीनों ही बराबर नहीं है। अब यानी हमने मान स्थिति ज्ञात कर ली, तो x बराबर जीरो पर फलन क्या है, जीरो पर फलन असतत है, जीरो पर फलन क्या है, असतत। एक बार दोबारा समझ लीजिए, x माइनस मोड x अपॉन x है, तो इस मोड x की स्थिति x बराबर जीरो पर होगी, अगर जीरो से कम होगा तो ये मान मोड के अंतर्गत वाला मान क्या आएगा, माइनस, माइनस माइनस है प्लस, एक्स और एक्स कितने होंगे, दो एक्स, दो एक्स में एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल कितना आएगा, दो, और अगर एक्स का मान जीरो से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो ये मान पॉजिटिव होगा, एक्स और एक्स घटाएंगे जीरो आ जाएगा, जीरो बटे एक्स, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं क्या मान आता है, जीरो आता है, और एक्स बराबर जीरो पर मान है वो कितना है, एक। अब आपको डायरेक्ट याद कर लिया हमने, बाईं सीमा दाईं सीमा, बाईं सीमा x का मान जीरो से कम दो है, जीरो से ज्यादा है वो जीरो है, जीरो पर है वो एक है, तीनों ही मान बराबर नहीं है, तो x बराबर जीरो पर फलन है वो क्या है, असतत है। क्लियर है, समझ में आया सभी के। अब देखो आगे उदाहरण नंबर दो, एग्जाम्पल नंबर दो, दो है कि फलन एफ एक्स बराबर है मोड एक्स प्लस एक्स माइनस एक। अब जो मापांक फलन कराए उसी पर, कि बुक में तो दिया है जीरो और एक पर स्थिति, परंतु परीक्षा में नहीं आएगा, अब इन पर स्थिति ज्ञात करोगे, आप करके देखना, अगर नहीं आएगा तो समझा देंगे, ठीक है, ओके।